मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है रुद्राक्ष की लास्ट स्विमिंग क्लास और अभी तक इतनी क्लासेस में इसने क्या सीखा है वो सारा इस क्लिप के थ्रू आप समझ सकते हो। आज फिर से मैं फनी वाली हैट पहन के चल रही हूँ और रुद्राक्ष ने कुछ नहीं पहना है। धूप बहुत तेज है और हम जा रहे हैं, पहले लेंगे दूध और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। हम ग्रोसरी लेके आए, सामान इतना ज्यादा था और गर्मी इतनी ज्यादा थी, बुनू की हालत कैसी हो गई है, इसलिए हम ब्रेकफास्ट भी पैक करा के ले आए हैं। अब हम यहीं पे तसल्ली से बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद इवनिंग में हमारा कुछ ना कुछ प्लान रहने वाला है, मे बी रुद्राक्ष के फ्रेंड्स के साथ बनेगा या फिर मैं रुद्राक्ष को कहीं लेके जाऊंगी। अच्छा, मैंने रुद्राक्ष को ना काम दिए थे, मैंने बोला ये तीन काम, अगर आपको खेलने के लिए जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ तो ये तीन काम पूरे होने चाहिए। तो रुद्राक्ष ने क्या किया है ये एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये बनाया है इन्होंने चार्ट। ये चार्ट बोलता है जो जो काम हो जाएंगे वो टिक होता जाएगा। होमवर्क करना, ये है शावर लेना और अभी बाकी सारा लिखना है। अच्छा, अभी और भी लिखेंगे यहाँ इस साइड पे और उसके बाद जो जो होता जाएगा उस पर टिक लगाएंगे, राइट। अगर आप मेरे शॉर्ट्स फॉलो करते हो तो एक शॉर्ट में मैंने दिखाया था कि हम यूनिक्लो गए थे, ऐसे घूमने के लिए हम मॉल गए थे, तो हम वहाँ पे यूनिक्लो गए थे, तो वहां से हमने क्या लिया था वो मैंने आपको नहीं दिखाया। गौरव ने अपने लिए कुछ टी शर्ट्स लिए थे और मैंने कुछ टी शर्ट्स लिए थे, वो टी शर्ट्स थोड़े से कार्टून वाले हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। ये है मेरी सबसे पहली टी शर्ट, सामने से देखने में बिल्कुल प्लेन है, ये देखो बग्स बनी। जो मेरी सेकेंड टी शर्ट है वो है बग्स बनी, ये भी है बग्स बनी। ये मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था, तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई कलर है भी नहीं। और एक ये है जेल वाले कपड़े लेने का, बहुत मन था, हम काफी टाइम से देख रहे थे, बहुत ट्रेंड में है। गौरव और रुद्राक्ष दोनों को ये टी शर्ट पसंद आई थी, तो ये एक है, ये ओवर साइज वाली ढीली ढीली सी लेकिन क्रॉप टॉप है ये। इसके साथ जाने के लिए मैंने लिया है प्लाजो ट्राउजर। ये थी हमारी शॉपिंग जो हम उस दिन करके लेके आए और अभी हम क्विकली रेडी होंगे और हमने जाना है। लास्ट सैटरडे जहाँ हम जिस प्ले एरिया में गए थे ना, वहाँ पे बारिश होने की वजह से हमें प्ले एरिया में अंदर की साइड जाना पड़ा था, कैफे में जाना पड़ा था, तो आज होपफुली मौसम हमारा साथ देगा तो हम आज वहाँ पे बाहर सैंड एरिया में प्ले करेंगे और इवनिंग में वहाँ पे फाउंटेन शो होता है। तो पानी में घुस के खेलेंगे। हाँ, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो हम आपको फाउंटेन शो दिखाएंगे और वहाँ पे रुद्राक्ष अर्युन दोनों नाई नाई भी करते हैं फाउंटेन में, तो अगर मौसम अच्छा रहा हो तभी हो पाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ के मौसम के बारे में आपको बताया, जब हम घर से निकले तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था, जैसे ही हम प्ले एरिया पहुँचे वहाँ पे बारिश होनी शुरू हो गई, तो हमने प्ले एरिया ना जाके वहाँ पास में एक शॉप थी जो कि बच्चों के टॉयज़ वगैरह रखे हुए थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मुझे लग रहा था, तो मेरे को लगा कि मेरे को कुछ सामान रुद्राक्ष के लिए खरीदना चाहिए। इवेंचुअली मैंने खरीदा कुछ नहीं, पर फिर भी मैंने विंडो शॉपिंग करी, सामान बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छे तरीके की स्टेशनरी थी, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, लंच बॉक्सेस। मेरे को लगा थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, मेरा रीज़न ये था ना खरीदने का। ये थे वो टॉयज़ जिनको देख के बच्चे शॉप के अंदर आए थे। बारिश बंद हो गई है तो हम लोग आ गए हैं यहाँ प्ले एरिया, अभी आपको सराउंडिंग्स भी दिखाती हूँ। पहुंच गया बुलू टॉप पे। ये है रुद्राक्ष के फ्रेंड्स खेलते हुए, ये है खूबसूरत सा रिवर व्यू, तो अब यहाँ पे शांत सी नदी के मजे लेते हुए, और ये है मेन रोड जाती हुई ब्रिज और यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। ये एरिया है और इसके आगे एक और एरिया है। फिर से तेज हो गई है तो हम यहाँ आ गए इस एरिया में जो कि थोड़ा सा कवर्ड है, यहाँ और ये तेज बारिश हो रही है, देखो बचपन के मजे। ये है वो फाउंटेन शो जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे।
कपड़े चेंज करा के इनको हम ले आए। अब यहाँ पे आ गए हम सोसाइटी में और अब यहाँ पे ये बच्चे करेंगे पिज्जा पार्टी। डिनर करने के बाद बैटरी हो गई थी फिर से रिचार्ज और ये फिर से खेलना शुरू हो गए। आज का दिन आपका बड़ा अच्छा और वहाँ पे तो पार्टी भी हो गई। आज खूब सारी मस्ती कर ली है और इसी के साथ अब हम जाएंगे घर और कोशिश करेंगे कि रुद्राक्ष सो जाए टाइम से। सी यू, गुड नाइट।